हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू getlectures.com। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ एजम्पशंस जो कि हम सोम इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेंगे। वो कौन कौन से एजम्पशंस हो सकते हैं, उन सारे एजम्पशंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर में। इट मीन्स एजम्पशंस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एजम्पशंस में हम देखते हैं फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड फॉर ड्राइविंग सोम इक्वेशन। सोम इक्वेशन कौन कौन से, अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वेशन होते हैं अपने। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वेशन की अगर बात करें सोम इक्वेशंस की, तो सोम इक्वेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपन ए, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, एंड द टॉर्सन इक्वेशन टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा अपन एल। ये जो प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन में जो हम सोम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, द एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाई ए, फिर प्योर बेंडिंग की कंडीशन में बेंडिंग इक्वेशन को डेवलप करते हैं तो, और फिर प्योर टॉर्सन के कंडीशन में टॉर्सन इक्वेशन को जो हम डेवलप करते हैं, उन सब डेवलप डिराइव करने के लिए, सोम इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए इस सब्जेक्ट में कुछ हम एजम्पशंस लेकर के चलते हैं, जो कि एजम्पशंस को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला एजम्पशन हमारा क्या कहता है, मटेरियल इज एज्यूम्ड टू बी बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। द वर्ड होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीन्स वॉट। होमोजीनियस मटेरियल कौन सी मटेरियल होती है और आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सी मटेरियल होती है, उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल, अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस मटेरियल व्हेन इट एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस मटेरियल वो मटेरियल होगी, एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा, मान लिया कोई ये मटेरियल है, अगर ये मटेरियल होमोजीनियस है यानी कि किसी भी पॉइंट पर, हम पॉइंट ए की बात करें या पॉइंट बी की बात करें, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर अगर इस, अगर पॉइंट ए की हम बात करते हैं और इसमें हम देखते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन को देखते हैं पॉइंट ए पर, अगर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, अगर इस मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है अगर ई है, तो B पॉइंट पे भी सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, E होती है। होमोजीनियस मटेरियल में मतलब कि सेम पॉइंट पर सेम प्रॉपर्टी, हर एक पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम बॉडी में लेते हैं, कोई भी होमोजीनियस मटेरियल या पॉइंट, यहाँ पर ले लिया C पॉइंट, अगर हम C पॉइंट की भी बात करते हैं तो C पॉइंट पे भी सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या एग्जिबिट्स करेगा, E। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, अगर ये E1 करता है तो इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी क्या शो करेगा, E1 ही करेगा। मतलब कि हर एक पॉइंट पर पॉइंट डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब पॉइंट पर डायरेक्शन अगर सेम है, डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करती है कोई भी मटेरियल होती है, तो होमोजीनियस मटेरियल। आपको क्लियर हुआ, आगे भी देखेंगे इसके सारे डेफिनेशंस और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि होमोजीनियस मटेरियल और एंड आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, अब बात आती है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सी मटेरियल होती है। कोई भी मटेरियल है, सपोज कर लिया ये मटेरियल है, अगर इस पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। अब यहाँ पर होमोजीनियस में क्या था कि डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब कि एक पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हो सकती है होमोजीनियस मटेरियल में। बट आइसोट्रॉपिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर पॉइंट ए की बात करें और पॉइंट बी की बात करें, इफ दिस मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक मटेरियल देन इस डायरेक्शन में अगर ई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ई है, तो इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी क्या होगी, ई होगी। इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी क्या होगी, ई होगी। इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी क्या होगी, ई होगी। मतलब कि सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। अब इस पॉइंट पर, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ई ही हो। मान लेते हैं दिस इज ई डैश, तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी, ई डैश होगी। इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी, ई डैश होगी। और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी, ई डैश होगी। अगर हम दोनों की बात करते हैं आइसोट्रॉपिक, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो मटेरियल्स को मान के चलते हैं, मटेरियल्स
मटेरियल इज एज्यूम टू बी बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. अगर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस है कि अगर ये पॉइंट रहा है, ये पॉइंट रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी. होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक होने के कारण एक पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. तो इसमें अगर प्रॉपर्टी इधर है ई, तो इस डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी क्या होगी? ई होगी, ड्यू टू आइसोट्रॉपिक मटेरियल. और होमोजीनियस भी होने के कारण इस पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है. तो इस ए पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ई है, तो होमोजीनियस होने के कारण इधर होगी, और आइसोट्रॉपिक होने के कारण इधर होगी, इधर भी क्या होगी? ई होगी. यानी कि पूरे बॉडी पर आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस अगर हम मटेरियल को एज्यूम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज शो करती हैं. मटेरियल क्या शो करती है? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज. ये मटेरियल कौन सी मटेरियल होगी? आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस. दिस इज द फर्स्ट एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट फॉर ड्राइविंग सोम इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट एजम्पशन क्या कहता है? मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ को बात अगर करें, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब इसमें आप ये कह सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन. इट मींस अगर एक्सियल स्ट्रेस है, तो वो एक्सियल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट. अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब आप देखते हो, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व की जब हम बात करते हैं, इधर स्ट्रेस और इधर हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व की अगर बात कर रहे हैं, तो किस डक्टाइल मटेरियल, मैं एक सिंपल मटेरियल की बात कर रहा हूँ, अप टू इलास्टिक लिमिट. दिस इज इलास्टिक लिमिट. यहां तक ये किसको फॉलो कर रहा है? ओबेज हुक्स लॉ. इट मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन. दिस इज द सेकेंड एजम्पशंस विच आर मेड इन द ड्राइविंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वेशन. थर्ड वन इज कंपोनेंट इज एज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक. द वर्ड प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मीन्स वॉट? दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट. अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? अगर आप सपोज करो, कोई भी आप एक कंपोनेंट लेते हो, दिस कंपोनेंट इज प्रिज्मेटिक कंपोनेंट. प्रिज्मेटिक कंपोनेंट मींस क्या? अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन की बात करूं, दिस इज एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, दिस इज वाई वाई क्रॉस सेक्शन, दिस इज जेड जेड क्रॉस सेक्शन. अगर मैं एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे भी, एक्स एक्स पॉइंट पे भी अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया देखता हूं, तो ये पॉइंट अगर ए ए है, तो ये पॉइंट बी बी है, तो इसमें क्या होगा? थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है. अगर आप एक टेपर बार लेते हो, टेपर बार का अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो, तो दिस इज अ टेपर बार. टेपर बार में आप क्या देख रहे हो कि अगर आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हो, दिस इज बी बी क्रॉस सेक्शन, दिस इज ए ए क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ए ए क्रॉस सेक्शन, दिस इज एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, दिस इज वाई वाई क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज जेड जेड क्रॉस सेक्शन. अगर आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की बात करते हो, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस मेंबर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म. ए ए पर एरिया कुछ डिफरेंट है, एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर एरिया डिफरेंट है, वाई वाई पर डिफरेंट है, जेड जेड पर डिफरेंट है, बी बी पर डिफरेंट है, तो दिस इज नॉट प्रिज्मेटिक. दिस इज नॉट प्रिज्मेटिक. प्रिज्मेटिक दिस इज टेपर्ड कंपोनेंट. एंड अगर यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ए ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एक्स एक्स इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एट वाई वाई इज इक्वल टू जेड जेड इज इक्वल टू बी बी, देन दिस मेंबर इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक. प्रिज्मेटिक, ओके, प्रिज्मेटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट जिसका थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो? यूनिफॉर्म हो. नॉन प्रिज्मेटिक में क्या होता है? थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल नॉट यूनिफॉर्म. ओके, दिस इज द थर्ड एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट. फोर्थ वन इज लोड इज एज्यूम्ड एज स्टेटिक. स्टेटिक लोड,
स्टैटिक लोड मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन्स जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो मेंबर पे, उस लोड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रहेंगे. जैसे कि अभी हम आगे कुछ लेक्चर्स के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड की एनालिसिस करेंगे, तो उसमें स्टैटिक लोड्स की भी हम बात करेंगे. तो स्टैटिक लोड्स आर दोज लोड्स व्हिच हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड द फिफ्थ वन एंड लास्ट वन एजम्पशन इज सेल्फ वेट ऑफ कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड. देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको सेल्फ वेट को इंक्लूड नहीं करने को बोलता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर उसमें सेल्फ वेट की बात नहीं हो रही है कि मेंबर के सेल्फ वेट को कंसिडर करना है नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो आप सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करके चलोगे, उसके इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करके चलोगे, केवल आप लोड के कंडीशंस को अप्लाई करोगे और उसकी एनालिसिस करोगे. अगर लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर सेल्फ वेट का जिक्र करता है, अगर वो कहता है कि ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट की भी बात वहां पर आती है, तो ड्यू टू सेल्फ वेट भी, सेल्फ वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, और उसके कारण भी जो इफेक्ट्स होंगे उसको भी एनालाइज करना पड़ता है. बट हम ये एज्यूम करके चलते हैं, अगर जिस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि सेल्फ वेट को कंसिडर करना है या नहीं करना है, अगर जिक्र नहीं करता है तो उसमें आप सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करके चलोगे. ओके, दिस आर फ्यू एजम्पशंस फॉर डिराइविंग द सोम इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट वन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मशीन डिजाइन सब्जेक्ट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. टॉपिक इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS. जनरली FOS इज डिनोटेड बाई N एंड इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ फेलियर स्ट्रेस टू परमिसिबल स्ट्रेस. फेलियर स्ट्रेस टू परमिसिबल स्ट्रेस. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेलियर स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस. इट मीन्स अगर आप यहां से देखना चाहो तो परमिसिबल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपॉन एन. एन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? सबसे पहले इस चीज को हम मान के चलते हैं, कोई भी मटेरियल है उसके फेलियर स्ट्रेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी आप फेलियर स्ट्रेस कंसीडर कर सकते हो और यील्ड स्ट्रेस को भी कंसीडर कर सकते हो एज अ फेलियर स्ट्रेस. इट्स अप डिपेंड अपॉन द गिवन कंडीशन. कंडीशन कैसा है उसके ऊपर आप डिपेंड, ये डिपेंड करता है कि आपका फेलियर स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस है या यील्ड स्ट्रेस है. ओके, तो अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस क्या होते हैं? अगर सपोज कर लो मैं अल्टीमेट स्ट्रेस की बात कर रहा हूं कि कोई भी मटेरियल है उसका फेलियर बिफोर फ्रैक्चर जितना स्ट्रेस वो इंड्यूस्ड, मैक्सिमम इंड्यूस्ड उसमें कितना हो सकता है, आफ्टर दैट वो मटेरियल क्या हो सकती है, फेल हो सकती है, तो उसे हम लेके चलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस. बट गिवन कंडीशन में अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस को, मैक्सिमम स्ट्रेस को अगर मैं फेलियर स्ट्रेस कंसिडर कर रहा हूं और उस पर मैं किसी कंपोनेंट को डिजाइन कर रहा हूं, तो गिवन कंडीशन में कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इफेक्ट डालते हैं, कुछ उसके सेल्फ वेट भी इफेक्ट डालते हैं, तो उसके कारण अगर हम पिन टू पिन लेकर के डिजाइन करते हैं किसी चीज को तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. इसलिए हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं, मतलब कि फेलियर स्ट्रेस को अगर हाफ कर दिया, अगर सपोज कर लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले लिया तो फेलियर स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्ट हाफ हो गई. हमने कंसिडर करके हम चलते हैं कि इस मटेरियल का फेलियर परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, हाफ ऑफ द फेलियर स्ट्रेस. फेलियर स्ट्रेस के हाफ पर लेकर के चल रहे हैं, उसको हम इसलिए कंसिडर करते हैं ड्यू टू फॉर एनवायरमेंटल कंडीशंस. अगर आप सपोज कर लो कोई स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो उसका फेलियर स्ट्रेस आप लेकर के चल रहे हो, एकदम पिन टू पिन लेकर चल रहे हो विदाउट यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर आपने पिन टू पिन डिजाइन किया है तो उस पर अगर एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आपने लगाया एयर रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके कारण भी कोई इफेक्ट हो सकता है, कोई स्ट्रेस जनरेट हो सकती है, उसके सेल्फ वेट के कारण भी कोई स्ट्रेस जनरेट हो सकती है, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपने तो कंडीशन को केवल लोडिंग कंडीशंस को एनालाइज किया है और उस पर आपने पिन टू पिन आपने क्या किया कि
अल्टीमेट स्ट्रेस पर डिजाइन कर दिया, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस डेवलप करता है, इंक्रीज होता है, तो उसके फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप मशीन कंपोनेंट की जब आप बात करते हैं, तो ऑपरेटर अगर इनएक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर है तो उससे कुछ गलतियां होंगी, और गलती होने के कारण कुछ लोड एक्स्ट्रा उस पर अप्लाई हो सकता है, और एक्स्ट्रा अप्लाई लोड के कारण स्ट्रेस भी उसमें कुछ जनरेट हो सकती है, तो उस जनरेटेड स्ट्रेस के कारण फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड करके चलते हैं। तो दिस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम मैं बात करूँ फेलियर स्ट्रेस की, फेलियर स्ट्रेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? फेलियर स्ट्रेस दिस इज ऑल्सो, अगर मैं बात करूँ इल्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इल्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इल्ड स्ट्रेंथ को डिनोट हम कैसे करते हैं? अगर आप किसी भी क्वेश्चन में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि इल्ड स्ट्रेंथ, सपोज कर लो SYT, SYC, SYS, दिस इज द एग्जाम्पल। दिस इज अंडर टेंशन, टेंशन दिस इज अंडर कंप्रेशन, कंप्रेशन दिस इज अंडर सीयर, कंप्रेशन और क्रशिंग। तो इल्ड स्ट्रेंथ अगर आप लेते हो तो इल्ड स्ट्रेंथ कहाँ होती है? अल्टीमेट से पहले होती है, जहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इल्ड स्ट्रेंथ को अगर आप फेलियर स्ट्रेस कंसिडर कर सकते हो, अभी देखेंगे किस कंडीशन में, किस मटेरियल में हम इल्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर करेंगे और किस में अल्टीमेट को। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे होगी? SUT, SUC एंड SUS। टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंशन टेस्ट में, क्रसिंग में अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और सीयर में अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर आप बात करते हो तो इल्डिंग किस में होती है? ब्रिटल मटेरियल में होती है या डक्टाइल मटेरियल में? अगर आप देखो तो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होता है, वीक इन टेंशन। ब्रिटल मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन और क्रसिंग। ओके, एंड एंड द डक्टाइल मटेरियल इज वीक इन सीयर, टेंशन में। यानी कि इल्डिंग किस में होती है? दिस इज यूज्ड इन डक्टाइल डक्टाइल मटेरियल इल्डिंग होती है। और जब आप ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें ऑलवेज किसकी बात आप करेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात आप करेंगे, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल में इल्डिंग नहीं होती है, वो डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है ब्रिटल मटेरियल। ओके, आप डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल मटेरियल के लिए आप इल्ड स्ट्रेंथ को भी फेलियर स्ट्रेस कंसिडर कर सकते हैं, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी फेलियर स्ट्रेस कंसिडर कर सकते हैं। इट इज डिपेंड अप टू द गिवन कंडीशन, बट ब्रिटल मटेरियल के लिए ऑलवेज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही आपकी फेलियर स्ट्रेंथ होती है। अगर आप कुछ डेफिनेशंस पे अगर जाएं, तो अगर मैं आपको बताऊं सम एग्जांपल्स यहां पर, इफ डक्टाइल डक्टाइल मटेरियल, दिस इज अ पॉइंट नोट डाउन, इफ डक्टाइल मटेरियल इज मटेरियल्स शुड नॉट अंडरगो अंडरगो परमानेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन शुड नॉट अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो आप यहां पर आपका फेलियर स्ट्रेस कौन सा होगा? फेलियर स्ट्रेस इज इल्ड स्ट्रेंथ, इल्ड स्ट्रेंथ। एंड सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ डक्टाइल मटेरियल शुड अंडरगो परमानेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन, द फेलियर स्ट्रेस इज फेलियर स्ट्रेस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ओके, दिस इज क्लियर? ओके,
डक्टाइल मटेरियल शुड नॉट अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन फेलियर स्ट्रेसेस यील्ड स्ट्रेंथ. डक्टाइल मटेरियल शुड अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन फेलियर स्ट्रेसेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ. आपको मैंने बार बार बोला है डक्टाइल मटेरियल के लिए आप फेलियर स्ट्रेंथ, फेलियर स्ट्रेस जो होगी आप यील्ड स्ट्रेस एज वेल एज अल्टीमेट स्ट्रेस दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है. और ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका ऑलवेज फेलियर स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ओके, नाउ अगर मैं कुछ एनालिसिस करूं कि अगर आप फेलियर स्ट्रेस को, अगर देखो फॉर सेफ डिजाइन क्या होता है, फॉर सेफ डिजाइन सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल, द परमिसिबल स्ट्रेस. परमिसिबल स्ट्रेस विल फाइंड आउट बाई यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा परमिसिबल. अगर आप देखो इधर सिग्मा मैक्स क्या होगा, पी अपन ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एस वाई टी अपन एन और एस यू टी अपन एन, इसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप यहां पर देखो, अब इसके आगे अगर मैं कंसिडर करके चलूं, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है अपना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सर्कुलर. अगर मैं सर्कुलर मान के चलता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया इज सर्कुलर. अगर मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूं, सर्कुलर हो या कोई सा भी हो, आप सेम कंडीशन यहां से देख सकते हो. आपको डिजाइन करना है, यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो आपको डायमीटर डिजाइन करना है, डायमीटर डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग रिजिडिटी क्राइटेरियन. तो उसमें बाय यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, सॉरी नॉट रिजिडिटी, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन. तो यहां पर अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 4p अपन पाई डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एस वाई टी अपन एन और एस यू टी अपन एन, अल्टीमेट स्ट्रेस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्ड स्ट्रेस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फ्रॉम हियर डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4pn/πsyt और 4pn/πsut. देन D is greater than equal to 4p/πsyt root over, okay, or root over 4p/πsut, okay, pardon, here the n we can consider 4pn. अब देखो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज हम करेंगे तो डायमीटर क्या होगी, डायमेंशन. अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 लेके चलता हूं, तो डायमीटर की वैल्यू कुछ आएगी डिफरेंट. अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाते जाता हूं तो डायमीटर इंक्रीज होगी. इट मींस इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन, क्या क्या हो सकता है, इफ वी इंक्रीज, अगर मैं एन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो सिग्मा परमिसिबल क्या होगी, डायरेक्ट सिग्मा परमिसिबल डिक्रीजेस. सिग्मा परमिसिबल क्या होता है, सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल टू एस वाई टी ओवर एन और एस यू टी ओवर एन. तो जैसे जैसे एन की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, सिग्मा परमिसिबल हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और सिग्मा परमिसिबल जब डिक्रीज होगी तो डायमेंशन अपने क्या होंगे, डायमेंशन विल इंक्रीज. सेफ्टी क्या होगी, सेफ्टी विल ऑल्सो इंक्रीज. कॉस्ट क्या होगा, जब डायमेंशन इंक्रीज होगी तो सेफ्टी तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, और डायमेंशन के इंक्रीज होने से कॉस्ट भी अपना क्या होगा, कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर मैं एन की वैल्यू को डिक्रीज करूं तो सिग्मा परमिसिबल क्या होगी, इंक्रीज होगी. सिग्मा परमिसिबल इंक्रीज होगी तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन डिक्रीज, सेफ्टी डिक्रीज, कॉस्ट डिक्रीज. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट
अभी इस साल भी अगर आप देखो 2018 में भी डिफरेंट कंडीशन में आप जब मशीन डिजाइन सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो वहां पर आप गुडमैन गर्बर सोडरबर्ग इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात आती है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत ही यूजफुल है। प्रीवियस अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखो गेट के, तो उसमें आपके हर एक एक साल के बाद या लगातार भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे क्वेश्चंस आते रहे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना होता है। ओके, अब हम देखेंगे एक वर्ड, रिजर्व। रिजर्व स्ट्रेंथ। रिजर्व स्ट्रेंथ क्या होती है? रिजर्व स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस। फेलियर स्ट्रेस माइनस परमिसिबल स्ट्रेस। दिस इज रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं दो माइल्ड स्टील लेता हूँ, माइल्ड स्टील वन एंड माइल्ड स्टील टू। अगर मैं यहाँ पर एमएस की बात कर रहा हूँ कि एक कंडीशन में मैंने देखा एसवाईटी ऑफ दिस माइल्ड स्टील इज इक्वल टू, जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दिस इज 200 एमपीए एंड हियर एसवाईटी इज इक्वल टू 200 एमपीए, ठीक है। देन इसमें मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लेके चल रहा हूँ और यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू मैं 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सिग्मा परमिसिबल कितना होगा? सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल टू 200 एमपीए, और यहाँ पर सिग्मा परमिसिबल कितनी हो जाएगी? 200/2, दिस इज इक्वल टू 100 एमपीए। ओके, देन यहाँ पर रिजर्व स्ट्रेंथ कितना होगा? रिजर्व स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेंथ। फेलियर स्ट्रेस इज 200 माइनस परमिसिबल स्ट्रेस इज ऑल्सो 200, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका रिजर्व स्ट्रेंथ कितना होगा? फेलियर स्ट्रेस इज 200 माइनस परमिसिबल स्ट्रेस इज 100, दिस इज इक्वल टू द रिजर्व स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 100 एमपीए। दिस इज द रिजर्व स्ट्रेंथ। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड रिजर्व स्ट्रेंथ। ओके, नाउ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट टू एंश्योर रिजर्व स्ट्रेंथ इन केस ऑफ एक्सीडेंट। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, इन केस ऑफ एक्सीडेंट मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, मतलब रिजर्व स्ट्रेंथ हमारे पास है किस कंडीशन के लिए? कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन के लिए। एक्सीडेंटल कंडीशंस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ अननोन लोडिंग कंडीशंस। अननोन लोडिंग कंडीशंस में क्या हो सकती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात की एयर रेजिस्टेंस, या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस। एयर रेजिस्टेंस की बात आप कर लो, किसी भी चीज पर एक एयर रेजिस्टेंस आ रही है, उसके कारण एक अननोन लोडिंग हो रही है। देन अननोन एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस में अगर आप देखो, कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी डिजाइन है, रस्टिंग होती है, मटेरियल का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, मटेरियल का डायमेंशन डिक्रीज होता है, उसके कारण उसका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होता है, वो भी एक एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकता है। फिर इम्परफेक्ट वर्कमैनशिप। इम्परफेक्ट वर्कमैनशिप मतलब क्या? इनएक्सपीरियंस पर्सन अगर कोई भी मशीन को हैंडल कर रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ उससे गड़बड़ी अगर हो गई तो कोई लोडिंग कंडीशन, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन आ जाएंगे, तो उसके फेलियर स्ट्रेसेस क्या हो सकते हैं, मतलब वो जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है उस पर लोडिंग कंडीशंस चेंज हो सकते हैं और इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी रिजर्व स्ट्रेंथ आपका फेल नहीं होने देता है किसी भी कंपोनेंट को। देन रियलिटी ऑफ एजम्पशंस मेड इन सोम इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एजम्पशंस इन सोम इक्वेशन, तो उसमें रियलिटी क्या है? सेल्फ वेट को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो एक तो वो भी हो गई। फिर एक एजम्पशन ये भी था कि हमने प्रिज्मेटिक माना था, कोई भी कंपोनेंट में अगर रस्टिंग हो रही है तो वो प्रिज्मेटिक नहीं रह जाएगा, जिस पोर्शन पर रस्टिंग होगी वहां से मटेरियल रिमूव होगा, उसके डायमेंशंस चेंज होंगे, तो वहां पर स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस होगी, बिकॉज कि उसका वहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, और जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी वहां पर स्ट्रेस ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ओके, तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो रिजर्व स्ट्रेंथ रहता है तो वो उसे फेल होने से बचाता है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ अबव मेंशन्ड नंबर ऑफ अननोन्स एंड अनसर्टेनिटीज द कंपोनेंट इज अंडर सेफ कंडीशन। ओके, थैंक यू।